या दलबीर कौर जी, पहले आपसे मैं समझ सकती हूं कि बिल्कुल आसान सर्कमस्टांसेस नहीं थे जब आप सरबजीत से मिले, लेकिन कैसे हैं वो हॉस्पिटल में, आपको क्या पता चला उनके हालत के बारे में? सरबजीत बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ, हम उसके पास गए, उसे कोई पता नहीं कि कोई आया है कि नहीं आया है, मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसे हूं, बिल्कुल सरबजीत को कुछ भी नहीं पता, अचेत है सरबजीत। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि जब से सरबजीत हॉस्पिटल में आया क्या एक बार सरबजीत ने आंख खोली? उन्होंने कहा कि उस दिन से एक बार भी सरबजीत ने आंख नहीं खोली और कोई भी इसके शरीर में किसी तरह की हरकत नहीं है। उसके दिमाग में लोहे के रॉडे मारी गई हैं, रॉड लोहे की, और जिससे सरबजीत का चोट जो है वो बहुत गहरी लगी है, अंदरूनी चोट भी है, बाहर की चोट भी है, स्टिचिंग भी आई हुई है सरबजीत को, और उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका है। बड़ी बेरहमी से सरबजीत को उन्होंने इस कदर मारा कि अपनी तरफ से शायद वो उसे मारकर ही फेंक गए थे। बहुत बुरी हालत है सरबजीत की। उसकी दोनों बेटियों ने उसे कहा कि पापा कुछ बोलो, पापा हमारी तरफ एक बार आंख खोल के देखो, पापा पापा हम आए हैं आपके पास, लेकिन सरबजीत को नहीं पता। उसकी बीवी ने भी कहा कि एक बार तो मेरी तरफ देखो, मैं आई हूं, एक बार प्लीज आंख तो खोल लो, लेकिन सरबजीत आंख नहीं खोल पाया। मैंने सरबजीत की बांह को छुआ, उसके पेट को छुआ, मुंह को छुआ, सरबजीत का मुंह एकदम इतना सूजा हुआ है, इस कदर सूजा हुआ है जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी भारत सरकार को रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज बिना सोचे समझे, बिना देरी किए सरबजीत को यहां से ले चलिए और वहां ले चलिए जहां इसका इलाज बहुत अच्छे से हो, और जल्दी से सरबजीत आपका वापस आ जाए। आज सरबजीत को हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआओं की जरूरत है जी। प्लीज दुआएं कीजिए कि आपका सरबजीत वापस आ जाए जी। और अभी हम भी प्रनीत कौर जी से बात करेंगे बिल्कुल थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले तलबीर कौर जी, आपने तो उनके जो सरबजीत को देख रहे हैं उन डॉक्टर से भी बात की होगी, उनका क्या कहना है, वो कितने क्रिटिकल हैं, कितने सीरियस हैं? बहुत ज्यादा, और उन्होंने भी यही कहा कि बस दुआएं करो, दुआ करो कि कोई चमत्कार हो जाए जी, चमत्कार हो जाए। अवैध शेख सर, यू ऑफ कोर्स बीन ट्रैकिंग दिस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड ऑन द मोटिव, क्या हुआ दैट लेड टू दिस अटैक, व्हाट आर यू हियरिंग सर, व्हाट हैव यू मैनेज्ड टू पीस टुगेदर ऑन व्हाट लेड टू द अटैक ऑन सरबजीत सिंह? यस ऑब्वियसली jail administration is entirely responsible for their negligence. This is rather a criminal negligence. They failed to provide security to Sarabjit Singh, and how three, four people attacked him and could reach him and attacked him, and he was severely beaten. That is, you see, a big question. And Pakistan government and the administration and everyone has to satisfy government of India and the people of Pakistan. Although they have made arrangements, good arrangements here in the hospital, I received the family at Wagha border, and we straight away went to hospital, and the family was allowed to meet him, although myself and the Indian High Commission's official were not allowed to meet and see Sarabjit Singh. Anyway, I was actually going to ask you that, sir. Why were they stopped from meeting Sarabjit? We were told it's because the hospital is now like a sub jail and it's for security reasons. I don't know why consular access was not provided to the official of Indian High Commission, and myself was also not allowed. I don't agree with the decision. I disagree, and I show my displeasure. Anyway, as for the security concern, yes, that was good, and we have been provided full security, and right. Doctors, neurosurgeons are good. They are well experienced, and now they are fighting for the life of Sarabjit Singh. And I talked to the medical officer, and he also confirmed to me that his situation is not good, very critical. Right. Of course. And yeah.
दैट्स ऑफ कोर्स व्हाट दलबीर कौर जी इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग. दलबीर कौर जी, आपने बार बार कहा है कि भारत सरकार को बोला गया था, आपने खुद कहा था कि उनके लाइफ को थ्रेट है, कि उन्हें खतरा है कुछ लोगों से. उन्होंने क्या बोला था इस थ्रेट के बारे में, इस खतरे के बारे में आपको? कि बात करेंगे, पाकिस्तान सरकार से बात करेंगे, जरूर करेंगे. तो अब ये वही बता सकते हैं कि उनके क्या बात हुई और उनको यहां से क्या बात बताई गई. लेकिन उनको पता था, उनको पता था, आपको लगता था कि उनको थोड़ा खौफ है कि यहां पे कुछ अटैक हो सकता है, उनके साथ कुछ हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है? सरबजीत को जी, हाँ सरबजीत को तो पता ही था. सरबजीत ने तो लिखकर भेजा था शेख साहब के हाथों. शेख साहब जब मुलाकात पर गए हैं, जेल के अधिकारी साथ थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले साथ थे, जब उसने इनको नाम लिखकर दिए हैं और बताया है कि ये लोग हैं, ये हवालाती है, ये कैदी हैं और इस तरह की ये बातें करते हैं, मुझे मारने की बात करते हैं, मुझे छुरियां लाने की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं कि हमारी ऊपर तक अप्रोच है. सच में उन लोगों की ऊपर तक अप्रोच थी. तभी तो जेल के अंदर रॉड्स आ गई, ईंटें आ गई और सरबजीत के सिर में जबरदस्त लोहे की रॉडों से वार किया गया. तो पूछने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि आखिर जेल के अंदर वो लोहे की रॉड कैसे आई और सरबजीत को उस दिन ही क्यों बाहर निकाला गया, जबकि पहले इनको क्यों नहीं याद आया कि टहलकदमी है. सरबजीत के साथ किरपाल को भी निकाला गया, किरपाल को तो अंदर डाल दिया पहले, सरबजीत को बाहर रख लिया. जी शेख साहब, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड ऑन कंस्पिरेसी ऑन हाउ इट वाज ऑल अलाउड टू हैपन. आई एम श्योर यू हैव बीन ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट जस्ट व्हाट्स गॉन ऑन हियर. डिस्क्राइब टू अस सर इन ब्रीफ दीज थ्रेट्स that he spoke about at length to that Dalbir Kaur ji is talking about. Yes, before that one thing I may mention that Chief Minister has ordered inquiry within 24 hours to submit the report, and Foreign Office has also has already been submitted report conducted by IG Prison. And I hope and expect, since this is not an ordinary matter, and Sarabjit Singh was a very high profile prisoner, and this is a matter, and his case is has direct bearing on India Pakistan relations. So one quick question to दलबीर कौर जी. मैडम, आप जैसे आपके साथ शेख साहब बोल रहे हैं कि इंक्वायरीज ऑर्डर की गई हैं, मल्टीपल इंक्वायरीज ऑर्डर की गई हैं, क्या आपको लगता है कि इन इंक्वायरी से कुछ निकलेगा? क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि इस इंक्वायरी से पता चलेगा कि क्या लैप्सेस हुए हैं पाकिस्तान में? देखिए कि इंक्वायरी करने वाले भी उनकी कमेटी है और जिनकी इंक्वायरी होनी है वो भी उन्हीं के लोग हैं, जेल वाले भी उनके हैं और सरकार भी उनकी है. लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है कि हमारी इंडिया की ओर से भी कमेटी के अंदर मेंबर आने चाहिए जो कि मिलकर आपस में इस बात की इंक्वायरी करे. तो मैं मान सकती हूँ कि विश्वास कर सकती हूँ कि इंक्वायरी सही हुई. फौरी तौर पर जरूरत है सरबजीत को यहाँ से किसी एक ऐसे देश में लेके जाकर इलाज कराने की जहाँ सरबजीत जल्दी से वापस आ जाए. आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इनको सबसे बढ़िया इलाज मिलेगा पाकिस्तान में? पहली बात है कि सरबजीत का जीवन बचाने के लिए हमें किसी सिक्योरिटी पर, किसी पर कोई एतबार न करते हुए फौरी तौर पर यहाँ से निकालकर इसे ऐसे देश में ले जाया जाए जहाँ इसका अच्छे से इलाज हो. मैं आज फिर कह रही हूँ कि मेरी सरकार समय ना गवाए, बिना सोचे समझे पाकिस्तान सरकार के साथ बात करके जैसे भी है इन पर दबाव डाले, जो करे मर्जी करे, सरबजीत को यहाँ से निकाल लो. दलबीर कौर जी, आखिरी सवाल आपके लिए, इस अटैक के पीछे क्या मोटिव था, इसके बारे में कुछ पता चला है आपको? अभी पता नहीं चला, लेकिन जो बात अभी तक सामने आ रही है कि उन जिन लोगों ने सरबजीत को मारा, उन लोगों को जेल के अंदर मिलने के लिए दो तीन आदमी बार बार आते रहे, और ये इस बात का पता लगाना चाहिए हमारी सरकार और पाकिस्तान सरकार को कि आखिर वो कौन लोग थे जो उन लोगों को मिलने आते रहे और उनका मेन मकसद क्या था. जी.